असी जी सानू गवर्नमेंट ने मार थां गत्या जी, इतनी महंगाई है अगो कोई शह ही नहीं आती, खुदा खौफी कोनी रह गई, कुछ भी नहीं बनता पाया, भी करिए इतने की। अगो जिहड़ा लियांदा 10,000 का जानवर से पिछले साल 20,000 का 25,000 का विकता पाया, इस वजह करके बहुत ही माल घट है, माल है ही नहीं। था नाजीन, आज मैं ऐसी मवेशी मंडी पे मौजूद हूँ जहाँ पे सिर्फ मवेशी मंडी का नाम ही रखा गया है, यहाँ पे जानवर तो वगैरह वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रही। ये वो मंडी है जहाँ पे पिछली मंडियों के निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानवर होते थे, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग आते थे खरीदो फरोख्त करने के लिए, और इस दफ़ा इस मंडी में कोई जानवर नहीं है और आवाम भी इस मंडी की तरफ रुख नहीं कर रही। की वजह मेन वजह यही बताई जा रही है कि बढ़ती हुई महंगाई, लोग महंगाई की वजह से तंग हैं, और कुछ ऐसी इसमें ख़ास बात हुई जो बीमारी बड़े जानवरों में पाई गई उस वो भी वजह बन सकती है। ये बातें हम आवाम से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्यों इस मंडी में इतना रश क्यों नहीं इस दफ़ा। जी असल में हम कल भी यहाँ पे आए हैं, कल तो एक जानवर भी यहाँ पे नहीं था बिल्कुल, ये जो मंडी है ये खाली थी। आज आए हैं तो 10-12 यहाँ पे हमें ये छतरे हैं ये नज़र आए हैं, तो रेट ही बहुत ज़्यादा है, जो छोटे से छोटा जानवर है उसका भी ये 40,000-45,000 रुपये मांग रहे हैं, तो हमारे तो बजट से ही आउट है। आपको पता है कि कितनी महंगाई है, लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो अब सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है, लेकिन क्या करें जब मंडियों का रुख करते हैं तो रेट सुन के ही होश उड़ जाते हैं। तो हमारा बजट है कोई 20-25 के राउंड अबाउट, हमें कोई छोटा मोटा को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर रेट ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ बंदा क्या करे और कहाँ पे देखिए। ये बताइए, जो मंडी होती थी सुनने में आता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी, 10 एकड़ में ये मंडी भी लगती थी, आज इस दफ़ा क्यों कम? नहीं, इस दफ़ा ये है कि जो बड़े जानवरों में जो वायरस आई है ना, उसकी वजह से छोटे जो जानवर हैं बकरे और ये लेले वगैरह, उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और शहरों में तो इसका रेट डबल हो गया। तो जो छोटे शहर हैं यहाँ से जो व्यापारी हैं इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं ये सारे बड़े शहरों में, लाहौर वगैरह में, इसलिए अब मंडियों का जो छोटे शहरों की मंडियाँ वो बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं। भाई जी, महंगाई की वजह करके लोग नहीं इतने आते, पहले जानवर ही बहुत घट ने, कुछ लोग उन जानवर नहीं लेंदे पैसे वजह तो भी महंगाई है, कुछ लोग लेंदे नहीं पै। अगो जिहड़ा लियांदा 10,000 का जानवर से पिछले साल 20,000 का 25,000 का विकता पै, इस वजह करके बहुत ही माल घट है, माल है ही नहीं था। दूसरी वो बच्चे जी बीमारी की वजह करके छोटे जानवर की खरीदो फरोख्त ज्यादा। तो पहले तुम कितों आए हो? मैं ठीक मोड़ तो मैं 10 साल हो गए इसे पक्के मुसलसल हर कुरबानी देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये बड़ी मंडी इन्दे बच्चे 10 किलों के माल हों हूँ जो एक थान से बैठे हैं, 2 मंजियां पी और कोई जानवर ही नहीं, 25-30 जानवर खाने जी। ये चाचा जी मुझे कह रहे थे कि यहाँ पे 10 एकड़ में ये मंडी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होता था, लेकिन इस वक्त महंगाई की वजह से ये जो मंडी है बिल्कुल सुनसान पड़ी है। लोग जो भी यहाँ पे खरीदो फरोख्त करने आते हैं वो महंगाई का रेट सुन के बकरों का और जो बड़े जानवर हैं उनकी जो बीमारी है उसकी निस्बत वो नहीं यहाँ पे आ रहे, और ये मंडी बिल्कुल सुनसान पड़ी है। मुझे न्यूज़ अलर्ट के साथ वकार दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अरे जी, बकरा छतरा लेना है की बन रहे, कितने पैसे ले गए? 25,000 जी। की कम करते हैं? मजदूरी जी। मैं दसो कि मंडी जी हूँ तुम नज़र आ रही है पहले की किस्म? बहुत बड़ी मंडी सी जी, जानवर बड़े होंगे सन, बेताब जानवर सन, जिते होना थोड़े जे दर्जन भी नहीं होने जी, ते तो बिल्कुल थोड़े तो महंगाई इन्नी है जी, बहुत सिर तो ज़्यादा जी, माड़े बंदे हैं जी, बहुत जो भाई भाई जोड़ते तो लियाते ने बनाते पैसे भी, अगो कोई चीज़ नहीं इतनी आ रही है। हाँ जी, हूँ कोई बड़े जानवर जी सारा खिलावा जी ना बनया था असी जी, सानू गवर्नमेंट ने मार थां गत्या जी, इतनी महंगाई है अगो कोई शह ही नहीं आती, खुदा खौफी कोनी रह गई, बच्चे निके निके मजदूरी करते थे, एक एक 200-200 महीने का बचा बचाते कुछ भी नहीं बनता पाया, भी करिए इतने की। तो हूँ लेड़ा छतरा बकरा जिन्हू पुछने जी बड़ी बड़िया कीमतों का, तो अभी किमें लै सकने, साढ़े को 25,000 रुपया है, अल्लाह पाक सानू को देवेदा जी। नहीं, वैसे एक गरीब शहरी मौजूद थे जो कहते थे मैंने हर साल मजदूरी करके 20,000-25,000 रुपये इकट्ठे करके यहाँ पे बकरा खरीदने आया हूँ, लेकिन मेरी इस्तात से बढ़ के यहाँ पे रेट मिल रहा है मुझे, यहाँ पे मैं खरीद नहीं सकता, इसके बाद मेरे पास यही हाल होगा कि मैं बड़े जानवर में हिस्सा डालूँ। नाज़रीन, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ये महंगाई की हुई है, इस तरह से गरीब आदमी पिसा जा रहा है, मेरी इन गवर्नमेंट से इल्तमास है कि मेहरबानी करके गरीबों के हाल पर रहम करें।